हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम केडीआरएस स्कूल क्लास 7 एंड 8 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर हिंदी में परिमेय संख्या अब रेशनल नंबर क्या है इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर रेशनल नंबर के द्वारा क्या समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है इन्हें नंबर सिस्टम हमारे नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर आर नंबर रेशनल नंबर क्या है नंबर है क्या है नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स अब मूवी के बेटा किसका रेशियो है रेशियो मींस क्या होता है यहां पर अनुपात क्या होता है अनुपात किसका रेशियो है और दो अनुपातों का क्या है रेशियो है क्या है रेशियो है रेशनल नंबर क्या है दो अनुपातों का रेशियो है रेशियो आप जानते हैं जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया 3/5 एक ही एग्जांपल 3/5 इज रेशनल नंबर तो ये क्या है ना रेशियो है क्या है रेशियो क्या है रेशियो अंडरस्टैंड एग्जांपल का 3/5 -2/3 -5/3 सॉरी 3/5 2/3 -5/3 -6/4 जीरो इज ए रेशनल नंबर एंड 1 इज ए रेशनल नंबर 0 1 भी क्या बेटा आपके रेशनल नंबर है और कैसे है रेशनल नंबर देखो 0/0 3/2 ओके रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P/Q रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P/Q किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रेशनल नंबर को P/Q किसके द्वारा P/Q के द्वारा लेकिन बेटा इसके कंडीशन है देन क्यू मस्ट बी नॉन जीरो यहां पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा जीरो नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए P से न्यूमरेटर एंड क्यू से डिनोमिनेटर तो क्यू नॉट इक्वल जीरो क्यू क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए और क्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि 3/0 सॉल्व करेंगे तो बेटा कैन यू सॉल्व इंफिनिटी क्या आएगा इंफिनिटी रिसीव बाय इंफिनिटी ओके क्या आएगा इंफिनिटी द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट है कुछ तर्क है रेशनल नंबर के जैसे टू रेशनल नंबर कैन बी एडिशन यदि मैं टू रेशनल नंबर को क्या करूं बेटा ऐड करूं क्या करूं ऐड करूं टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड तो सो शुड बी रिसीव बाय रेशनल नंबर हमको क्या प्राप्त होता है बेटा कि रेशनल नंबर प्राप्त होता है यदि मैं दो रेशनल नंबर को क्या करूं बेटा ऐड करूं तो क्या प्राप्त होता है एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है रिसीव होता है क्या होता है रिसीव एग्जाम्पल है 3/5 A/B C/D 2/5 डिनोमिनेटर इज सेम नंबर प्लस 5 तो कैन बी सॉल्व 1 क्या प्राप्त हुआ क्या रिसीव हुआ 1 प्राप्त हुआ तो ये क्या है बेटा 1 इज ए रेशनल नंबर 1 इज ए रेशनल नंबर अंडरस्टैंड तो द स्टेटमेंट इज ट्रू ये स्टेटमेंट क्या है बेटा सत्य है सेकंड स्टेटमेंट है आपका A/B - C/D इफ टू रेशनल नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट यदि मैं दो रेशनल नंबर क्या करूं बेटा सब्ट्रैक्ट करूं क्या करूं सब्ट्रैक्ट करूं उनको घटाऊं तो क्या प्राप्त होता है रेशनल नंबर प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है रेशनल नंबर प्राप्त होता है तो टेक एग्जांपल A/B 6/5 -3/5 कैन यू सॉल्व 5 डिनोमिनेटर इज नंबर 5 एंड 6 - 3 तो 3/5 इज ए रेशनल नंबर थर्ड है इफ टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर
रैशनल नंबर रिसीव है, रैशनल नंबर क्या प्राप्त होता है बेटा, एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, रैशनल नंबर प्राप्त होता है। एग्जांपल 3/5 a/b मल्टीप्लाई c/d 2/3 6 15 तो 6/15 जैसे रैशनल नंबर, 6/15 है रैशनल नंबर। फोर्थ बेटा स्टेटमेंट है आपका a/b / c/d से रैशनल नंबर। यदि मैं 2 रैशनल नंबर लू और उनके बीच में क्या करूं बेटा, दोनों को डिवाइड करूं, क्या करूं डिवाइड करूं, तो वो क्या प्राप्त होता है, रैशनल नंबर ही प्राप्त होता है। 3/5 2/5 5/2 15/10 3/2 तो रिसीव है 3/2 रिसीव नंबर 3/2 एंड रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। अब बेटा हमारे कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, कुछ गुणधर्म है आपके रैशनल नंबर के। तो लेट्स स्टडी, सब प्रॉपर्टी फर्स्ट है बेटा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्या है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है इसमें बेटा एडिशन स्टेटमेंट, क्या है एडिशन प्रॉपर्टी, सॉरी क्या है एडिशन प्रॉपर्टीज। इफ टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड a/b c/d should be to, should be equal to c/d plus a/v. If two rational number can be added, यदि मैं दो rational number को क्या करूँ बेटा, add करूँ, तो should be to equal c/d plus a/v, क्या दोनों equal प्राप्त होते क्या, तो देखते बेटा let's example a/b 3/5 + c/d 2/5 understand। left hand side show number 3/5 + 2/5 and right hand side show number 2/5 c/d of value, solve 5 3 plus 2 5 5 3 plus 2 5 equal 1 two rational number can be added, so should equal to 2/5 should equal to is a rational number, receive a rational number, क्या प्राप्त होता है बेटा हमको, एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है रैशनल नंबर प्राप्त होता है, बन क्या बेटा एक रैशनल नंबर है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू,
सेकेंड है सबट्रैक्शन, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। तो सेकेंड स्टेटमेंट बेटा ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इक्वल सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। एग्जाम्पल दैट थ्री अपॉन टेन माइनस टू अपॉन टेन, सी अपॉन डी टू अपॉन टेन, टू अपॉन टेन माइनस थ्री अपॉन टेन, डिनोमिनेटर इज सेम वन एंड राइट हैंड साइड नंबर रेशनल नंबर टेन माइनस वन, टेन माइनस वन टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टेन, लेफ्ट हैंड साइड इज नंबर वन अपॉन टेन एंड राइट हैंड साइड इज नंबर माइनस वन अपॉन टेन, नॉट बी इक्वल। जब बेटा दोनों आपको बराबर प्राप्त हुए क्या, तो ये क्या बेटा ये प्रॉपर्टी रॉन्ग है, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है बेटा नॉट इक्वल, क्या है नॉट इक्वल, रॉन्ग नहीं है बेटा, रॉन्ग मतलब होता है गलत, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या है बेटा नॉट इक्वल। थर्ड है बेटा मल्टीप्लीकेशन, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी रिसीव ए रैशनल नंबर। यदि हम बेटा टू रैशनल नंबर ले और उनको क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको रैशनल नंबर ही राइट हैंड साइड में वही रैशनल नंबर प्राप्त होता है। तो लेट्स एग्जांपल थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई सेवन अपॉन टू, ए अपॉन बी वैल्यू थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई सी अपॉन डी वैल्यू सेवन अपॉन टू, सी अपॉन डी वैल्यू सेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फाइव, ट्वेंटी वन एंड फाइव मल्टीप्लाई टू टेन इक्वल ट्वेंटी वन, सेवन मल्टीप्लाई थ्री एंड टू मल्टीप्लाई फाइव टेन। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल है, तो ये क्या है प्रॉपर्टी बेटा इस कथन के लिए इस स्टेटमेंट के लिए राइट है। होता है बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी इसमें डिवाइड डिवीजन वाली, क्या है डिवीजन वाली, इफ टू रैशनल नंबर कैन बी डिवाइड सी अपॉन डी डिवाइड बाय ए अपॉन बी, सी अपॉन बी डिवाइड बाय ए अपॉन बी, ए अपॉन बी वैल्यू टू अपॉन थ्री कैसे लगा रहे हो टू अपॉन थ्री डिवाइड बाय थ्री अपॉन फाइव इक्वल दैट सी अपॉन डी वैल्यू थ्री अपॉन फाइव एंड ए अपॉन बी वैल्यू टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फाइव अपॉन थ्री इक्वल दैट थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव थ्री अपॉन टू टेन।
अब देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है बेटा, इस कथन के लिए ट्रू नहीं है, है ना।